हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर एक्सरसाइज 11.3। स्टूडेंट, इसको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इसके रूल्स हैं, नियम हैं, उन्हें जान लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम उन्हें अच्छी तरह जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एलसीएम और एलसीएम कि अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए, है ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इनका जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए आप टू और फोर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दो नंबर आपको दे दिए। ये नंबर का आपको कह रहा है कि भाई इनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो स्टूडेंट इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इसका फोर हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर की तो क्या आएगा आंसर? एट आएगा। और इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? टू। और इन दोनों का एलसीएम क्या है? फोर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी एट आता है ना। तो ऐसे होते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, हमेशा दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अगर आपको एलसीएम दे दिया कि आपको, मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम दे दिया आपको, ये रहा एलसीएम कितना है? एट। तो प्रोडक्ट भी आपको दे दिया गया दो नंबर का, प्रोडक्ट कितना है? एट है, है? तो आपको एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ निकालना, या एचसीएफ निकालना, आपको एलसीएम दिया हुआ है तो आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम दिया हुआ तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, और एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, इन दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो आप दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर पहला नंबर दूसरा नंबर दिया हुआ है तो आप फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी, तो ये चार नियम है, इन्हें भी आप अच्छी प्रकार याद रख लेंगे। अब आप अपनी बुक खोलिए और बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आप बुक में से देख के समझ जाइए। ठीक है जी, बुक खोल लीजिए, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 33 एंड 45 लिविंग ए रिमाइंडर 9 इन एवरी केस। तो ये कह रहा कि इनमें से प्रत्येक में, एवरी केस का मतलब है प्रत्येक में से अगर 9 घटा दिया जाए, है ना, जो रिमाइंडर बचता है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो अब इसने डायरेक्ट तो लिखा नहीं किस में एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जहां भी ग्रेटेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, है ना, तो आप सोच लीजिए वो क्वेश्चन में एचसीएफ निकलवाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट आ जाए, है ना, या लोवेस्ट आ जाए, तो आप सोच लीजिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो प्रत्येक केस में क्या बचता है? 9 रिमाइंडर बचता है। गिवन नंबर क्या है हमारे? 33 है, 45 है, ये नंबर दिए गए, इनमें से प्रत्येक में अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 9 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से 9 ही माइनस कर देंगे, 33 माइनस 9 है जी, 45 माइनस 9 तो कितने हो गए जी, इधर कितना गए? 13 हो गए, 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4। अब यहां कितने रह गए? 2, 24 तो ये हो गए। अब यहां कितने हो गए? 15, तो यहां 7 बच गए, एक इधर चला गया था,
सेवन नहीं भाई सिक्स बचेंगे है, तो यहाँ सिक्स बच गए, एक इधर से लगाया था, यहाँ 36 रह गए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर कहता हो ईच केस, तो सभी जो भी संख्याएं आपको डिजिट दी गई हैं उन सब में से उसे माइनस करके उसके बाद आपको एससीएफ लेना है, समझ गए। अगर सब में अलग अलग रिमाइंडर दिए हो तो सभी संख्याओं में से अलग अलग आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसका निकाल लीजिए, डिवाइड मेथड से ऐसे आप निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट दो ही थे, तीसरा डिजिट नहीं थी, तो इसमें 12 से लास्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो इसका एस सी एफ आ जाएगा, एस सी एफ इज इक्वल टू 12। तो इन्होंने क्या कहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब एस सी एफ, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसका 12। ठीक है जी, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। सॉल्यूशन टू, गिवन नंबर जी आई, गिवन नंबर गिवन नंबर्स, तो गिवन नंबर है जी 61, 33 और 75। एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट माने भी सबसे बड़ा था, तो क्या करना आपको, ऐसे अब निकालना That will be divide 61, 33, 75, leaving 5 as remainder in each case. प्रत्येक में 5 remainder बचता है, 5 remainder बचता है। ठीक है, तो आप remainder लिख लेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, सब में से 5 बचता है, तो 5 माइनस कर देंगे सब में से 70, 28, 56। तो अब इनका हम क्या ले लेंगे, अब इनका सेप ले लेंगे, लार्जेस्ट निकालने के, सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी 70 को 56 से डिवाइड कर देंगे, 1 जा चल जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, एक इधर चला गया 6 रह गए 40, फोर बार चला लेंगे 56 आ जाएगी, तो इसका तो ऐसे अब स्टूडेंट क्या आ गया 14 लास्ट में, लेकिन अभी हमारे पास एक डिजिट और बच रही 28। अब 28 को जो इसका सीएफ आया इससे पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 28, तो लास्ट में कैसे डिवाइड हुआ 14 से, तो क्या आ गया सीएफ इज इक्वल टू 14। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर क्या था, तो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा 14, यही आंसर है आपका। ठीक है जी, आपको सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन समझना ही जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कोई भी नई सवाल नहीं कर पाएंगे।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट कह रहा, तो आपने देख लिया ग्रेटेस्ट है, तो आप एचसीएफ निकाल लेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 39, 52 और 65, लिविंग रिमाइंडर 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इन सब में से एक रिमाइंडर नहीं बचता सब में, एक में से 3, एक में 4, एक में 5 ऐसे रिमाइंडर बच रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सब में से हम अलग अलग ही माइनस करेंगे, क्योंकि जितनी हमारे पास डिजिट है उतने ही रिमाइंडर हैं, है ना। तो गिवन डिजिट क्या है जी, गिवन नंबर, गिवन नंबर्स, थर्टी नाइन, फिफ्टी टू और 65। रिमाइंडर कितने हैं जी, रिमाइंडर है हमारे पास 3, 4 और 5 रिमाइंडर। अब इन्हें हम इसी प्रकार माइनस कर लेंगे, जिस क्रम में संख्या है उसी क्रम में इन्हें माइनस कर देंगे। ये नहीं कि पहले नंबर पर 3 आया तो हम 3 को ब्लास्ट कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। जो इनका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो जिस सीक्वेंस में है उसी में माइनस करेंगे। 9 में 3 गए 6 और 3। अब भाई यहाँ 12 हो गए, 12 में से 4 गए 8, एक इधर चला गया, यहाँ भी 4 रह गए। अब 5 में से 5 गए 0, ये बच गया, है ना। तो अब हम इनका ऐसे ले लेंगे, इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है 60, इसे 48 से डिवाइड कर लेंगे, 48 बन जाए 48 है। इधर 10 हो गए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 5, 1 उतार लिया। 12 4 जा 48। तो भाई 12 से अब आ गया, इसका 12 से ने डिवाइड करा तो, लेकिन अभी हमारे पास 36 भी बच रहा, 36 को आप 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 जा 36। तो लास्ट में कैसे डिवाइड हुआ 12 से, तो 12 ये हमारा आंसर, यानी कि वह नंबर कितना होगा 12। ग्रेटेस्ट पूछ रहा था, ग्रेटेस्ट का मतलब एस सी एफ ही हो, तो स्टूडेंट इसलिए एस सी एफ इज इक्वल टू 12 आंसर, या आप एस सी एफ की जगह लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर ऐसे आप नहीं लिखना चाहते, आप बुक के अनुसार ही चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब फाइंड द लीस्ट, लीस्ट माने होता है सबसे छोटा, है ना, स्मॉल, लीस्ट माने होता है सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय द नंबर 6, 15 and 8। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड डिजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 15 and 18, ठीक है जी। सोल्यूशन नंबर 4, गिवन नंबर 6, 15 and 18, सो द लिस्ट नंबर। लिस्ट का मतलब एलसीएम होता है, 2 से डिवाइड कर दिया, अब 3 से 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा
9 1 5 1 Okay, so 1 1 1 So 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 2 3 is 6 6 3 is 18 18 5 is 90 तो देख लीजिए 6 से भी 90 डिवाइड होता है 15 से भी होता है और 18 से भी होता है तो ये इसका एलसीएम होगा तो जी सॉल्यूशन नंबर 5 देख लीजिए एक बार बुक में देख के इसकी हिंदी समझने की कोशिश कीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है जी 48 है देयर एलसीएम इज 2 एलसीएम 2 है एलसीएम निकालना ठीक है जी तो लिखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 48 तो जी एलसीएम इज इक्वल टू 2 तो हमें क्या नहीं करना एलसीएम फाइंड करना तो भाई एलसीएम फाइंड करना हमें तो फॉर्मूला क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम निकालना तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम निकालना तो यहां एलसीएम आ जाएगा तो हमें क्या निकालना एलसीएम निकालना तो यहां एलसीएम आ जाएगा जी एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हमारा ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 48 और ऐसे अब कितना हमारा 2 अगर हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो क्या आंसर आ जाएगा 24 एलसीएम आंसर देखिए अगर आपसे डिवाइड ऐसे नहीं होता तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 2 2 जा 4 ब्रिंग डाउन कर लिया 8 2 4 जा 8 तो देखो ऐसे ही आंसर आ गया है ना अब सॉल्यूशन नंबर 6 सिक्स भी देख लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 108 5 में भी था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 48 था इसमें भी यही है ना देयर एलसीएम पहले क्या था एलसीएम अब है क्या है एलसीएम इज 36 तो उसमें क्या निकलो आता एलसीएम निकलो आता इसमें क्या निकलो आ रहा एलसीएम बिल्कुल सेम है ना तो लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 108 है ना एलसीएम कितना है 36 फाइंड क्या करना हमें
एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एम। प्रोडक्ट टू नंबर कितना है 108, एलसीएम कितना है 36। तो 108 को 36 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 36 18 81, और 3 3 3 3 9 और 110। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 क्या आ गया एस सी एफ आंसर। तो स्टूडेंट आज जैसे आपने डिवाइड करा ऐसे भी आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है जी, अब है जी सॉल्यूशन नंबर हमारा 7। सॉल्यूशन नंबर 7 पहले समझ लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 3 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 36, वन नंबर इज इक्वल टू 12, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर निकलवा रहा भाई है ना, तो लिखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ ओ टू नंबर एस सी एफ ओ टू नंबर इज इक्वल टू 3 एल सी एम ओ टू नंबर। नंबर इज इक्वल टू 36, वन नंबर इक्वल टू 12, ओ टी एच ई आर अदर नंबर। अदर नंबर हमें क्या करना, फाइंड करना। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम अपॉन वन नंबर। देखो जी एस सी एफ कितना हमारा 3, एल सी एम कितना 36 और वन नंबर कितना हमारा 12। तो हम 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, ये 36 है इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 3 36 है ना। अब ऊपर 3 3 है तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 अदर नंबर। ये आंसर। तो स्टूडेंट अगर वन नंबर निकला रहा होता तो सेकंड नंबर दिया होता तो यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाता, बस इतना ही फर्क होता।
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होगा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.3 भी समाप्त हो गई है। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।